अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जनाबा, जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ आपके लिए, वो बहुत आसान और जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। ये बड़े भी बहुत पसंद करेंगे और बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देंगे बर्गर में तो उनको तभी बहुत पसंद आएगी। जी, रेसिपी है आज की बीफ चपली कबाब। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। देखें, कीमा बिल्कुल ड्राई है, उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। कीमे को अच्छे से आप इसको छानी में डाल के इसका सारा पानी पहले निकाल लें और बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 पूरा लहसुन है और 6-7 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आपके टेस्ट के मुताबिक आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है भुना हुआ बेसन, जिसको मैंने तवे पे भून लिया था। 1 अंडा है, काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है मेरे पास, और ये है दादर मिर्च। 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास हल्दी, 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा, 1 टेबल स्पून है मेरे पास पीसा धनिया और नमक हसबे ज़ायका। और रेड मिर्च हम कम डालेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसलिए रेड मिर्च मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल भी लिया है। अब हम इन सब चीज़ों को डाल देंगे चॉपर में। कीमा, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, बाकी सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं चॉपर में। इन सबको चॉपर में डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसको हाथ से भी कूट सकती हैं या बाज़ार से आप ये बाज़ार की जो कीमा वाली मशीन होती है आप दुकानदार के पास जाके उससे कहें, ये वो आपके कीमे में ये निकाल देगा। नहीं तो आप इसको ब्लेंड अपने उसमें जग में भी ग्राइंडर में भी ग्राइंड करके मिक्स कर सकती हैं। अब ये देखें कितना अच्छा टेक्स्चर इसका बन गया है, इतना सॉफ्ट है, चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने इस पर धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद इसको मैं इसकी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी, बना के तवे पे चख लूँगी टिक्की, उसमें सब कुछ सेट होगा तो मैं इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर रच बस जाए। आप ये बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे तब निकाल सकते हैं। ये देखें, अगले दिन जब मैंने इसको निकाला ये इतने अच्छे से इसका टेक्स्चर था, इतना सॉफ्ट। अब मैं इसके कबाबों की शेप बना के इसमें टमाटर लगा के इसको फ्राई कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसको सीख कबाब की शेप भी दे सकते हैं। आप इसकी मीट बॉल्स भी बना सकते हैं, चीज़ अंदर बढ़ के मीट बॉल बना लें। कबाब के ऊपर भी आप चीज़ लगा सकते हैं, अनियन का रिंग लगा लें, जैसे आपका दिल चाहता है आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसान और मज़े से बनेंगे, और ये अगर आप बर्गर में बच्चों को लगा के स्कूल के लिए देंगे तो बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।